नमस्कार, मैं प्रिया। आज 5 जून, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 126 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 4452 हो गई है। पाए गए मामलों के प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अरवल में 2, औरंगाबाद में 1, बांका में 4, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 6, दरभंगा में 2, गया में 4, गोपालगंज में 10, जमुई में 2, जहानाबाद में 7, कैमूर में 1, खगड़िया में 12, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 4, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 3, नवादा में 8, पटना में 5, पूर्वी चंपारण में 1, पूर्णिया में 13, रोहतास में 7, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 2, सारण में 2, सीतामढ़ी में 1, सुपौल में 7, वैशाली में 12 मामले सामने आए हैं। बिहार में अब तक 2120 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार अब तक 88,313 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 4400 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए। वहीं 2120 मरीज भी कोविड 19 की परीक्षा को पास कर चुके हैं। हालांकि कोविड 19 की वजह से अब तक बिहार में 28 लोगों की जान चली गई है। बीते दिन जारी किए गए अपडेट के अनुसार पटना NMCH में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की जान गई है। बिहार के विश्वविद्यालय में जुलाई से होगी परीक्षा। कोविड 19 के माहौल के बाद अनलॉक 1 में इतने महीनों से बाधित हुई पढ़ाई को बिहार के विश्वविद्यालय में फिर से पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अगले महीने यानी कि जुलाई में विश्वविद्यालय परीक्षा का आयोजन करवाने का फैसला लिया गया है। कोविड 19 के बीच केंद्र सरकार के अनलॉक 1 लागू होने के बाद विश्वविद्यालय में जहां कक्षा संचालन से लेकर परीक्षा तक के लिए रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, वहीं UGC ने भी परीक्षा को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने साफ कहा है कि सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलते ही परीक्षा के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। कोविड 19 के इस माहौल में चुनाव का आयोजन होगा गाइडलाइन के अंतर्गत, जिसका ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इस बार के चुनाव में सभी को सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बिहार के लगभग 73,000 पोलिंग स्टेशन है, लगभग 7 करोड़ वोटर है, इसलिए चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं इस बार चुनाव को समय पर करवाने के लिए बूथ की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं डिजिटल रैली पर भी चुनाव आयोग की नजर है, साथ ही खर्चे के साथ साथ सभी चीजों पर नजर बनाई गई है। चुनाव के लिए लगभग 4 से 5 महीने वक्त बचे हैं, ऐसे में तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बिहार में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने के लिए शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से मांगा फीडबैक। कोविड 19 का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, हर दिन मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावकों से स्कूल को खोलने पर फीडबैक की मांग की है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलवाने का फैसला सही है या नहीं, कक्षाओं में नामांकन कब से प्रारंभ किया जाए, विद्यालय के संचालन की अवधि क्या हो, कक्षा में जितने छात्र बैठने की अनुमति मिलेगी, क्लास की अवधि क्या हो, कक्षा में बैठने की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, प्रार्थना सत्र का संचालन किया जाए या नहीं, विद्यालय में आने और जाने की व्यवस्था कैसी हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कैसे किया जाए, इन सभी बातों पर अभिभावकों से उनके फीडबैक की मांग की गई है। कृषि क्षेत्र से 3 लाख और प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की बनाई जा रही है योजना, जिसका ऐलान कृषि विभाग की तरफ से कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया है, जिसके तहत बिहार वापस लौटे प्रवासियों को कृषि क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों ने प्रवासियों के स्किल मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही रोजगार के तत्काल उपलब्ध होने वाले अवसरों के साथ भी आगे के लिए अवसरों की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने तत्काल रोजगार देने वाले प्रस्ताव को तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत 3 लाख प्रवासियों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। बिहार के कई जिलों में DTO DSO के पद पर निकाली गई रिक्तियां। बिहार में कई जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पद खाली पड़े थे। ऐसे में इन पदों पर बिहार सरकार ने उप समाहर्ता की तैनाती का आदेश दिया है। इस संबंध में सरकार ने सभी जिले के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी दे दी है। जारी किए गए पत्र में यह साफ तौर पर लिखा है कि विभिन्न जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कई पद रिक्त हैं। इन पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम होगा जल्द शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी R श्रीनिवासन ने चुनाव को लेकर के कहा है कि इस बार चुनौती होगी लेकिन मुश्किल नहीं है। वहीं बिहार वापस लौटे प्रवासियों का भी वोटर आईडी कार्ड बनवाना एक चुनौती बनकर सामने आई है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निर्वाचन पदाधिकारी ने आगे यह भी बताया है कि इस बार बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने पर भी विचार किया जा रहा है।
भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा खत। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखकर बिहार में हर साल बारिश के कारण लगने वाले जलजमाव को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि बारिश को लेकर काफी काम हुआ है, लेकिन कुछ काम होना अभी बाकी है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि आज से वह हर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, जहां पर जलजमाव से निजात दिलाने के लिए काम किए गए वहां पे वो काम की समीक्षा करेंगे। 86 साल बाद फिर से कमला नदी का पानी पहुंचेगा हर घर के। कल तक कोविड-19 के मामले जहां एक तरफ बढ़ते रहे, वहीं बेरोजगारी की समस्या भी सामने आ गई है। वहीं इसी बीच मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां दक्षिणी पंचायत में पुरानी कमला नदी की धारा को 86 साल बाद फिर से आते हुए देखा गया है, क्योंकि 1934 में आई बाढ़ के बाद झंझारपुर प्रखंड का यह नदी दूसरी ओर मुड़ गया था, जिसके बाद 86 साल बाद जल संसाधन विभाग ने इस नदी को फिर से जिंदा करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे आसपास के किसानों और वहां रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। अगले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में बारिश होने की बड़ी संभावना। बीते कई दिनों से बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं आने वाले 24 घंटे में मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बीते दिन पटना सहित कई जिलों में बादल छाए रहे, वहीं कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिली। वहीं आज भी बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर से आए लोगों को प्रवासी कहने से किया इनकार। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के कारण बाहर से कई सारे बिहारी वापस बिहार लौट चुके हैं। हालांकि बार बार इन लोगों को प्रवासी कहे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने दूसरे राज्यों से लौटकर बिहार आ रहे श्रमिकों को प्रवासी श्रमिक नहीं कहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जब यह देश एक है और लोग एक है, तो दूसरी जगह पर सेवा करने गए हैं तो उन्हें प्रवासी बुलाना सही नहीं है। जब वह दूसरे देश जाए तो आप उन्हें प्रवासी बुला सकते हैं। जो लोग भी वापस लौटे हैं, सरकार उनके हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के पंचायत और जिला परिषदों के जनप्रतिनिधियों के साथ की राज्यों के लोगों को संबोधित करने के दौरान की थी। चंदन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया पसंद। सोशल मीडिया के जमाने में कब कौन फेमस हो जाए, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया रातों रात एक इंसान को स्टार बनाने का काम करती है। ऐसा ही कुछ हुआ है छपरा के मकेर में रहने वाले चंदन कुमार गुप्ता के साथ। छपरा के रहने वाले चंदन का वीडियो बीते दिन सोशल मीडिया पर उनके दोस्त द्वारा शेयर किया गया था, जिसमें वह बाहुबली फिल्म का एक गाना गा रहे थे, जिसके बाद लोगों ने उनकी आवाज को कैलाश खेर की आवाज से तुलना की है। इतना ही नहीं, यह वीडियो इतनी तेजी से ट्रेंड कर रहा था कि कुछ ही समय में इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख भी लिया है। परिवहन विभाग ने सभी आम नागरिकों से गाड़ी की फिटनेस बीमा लाइसेंस बनवाने का दिया मौका। परिवहन विभाग ने गाड़ी मालिकों को गाड़ी के फिटनेस बीमा लाइसेंस सहित अन्य कागजात बनवाने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। 30 जून तक किसी भी गाड़ी मालिकों से इन सभी कागजातों के नहीं होने पर फाइन की वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन 30 जून के बाद फाइन लिया जाएगा। हालांकि परिवहन विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनके कागजात 1 फरवरी के बाद फेल हुए हैं। उससे पहले फेल होने वाले कागजात पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं परिवहन विभाग ने यह भी साफ कहा है कि जो 30 जून तक गाड़ी का फिटनेस नहीं बना पाएंगे, उन्हें ₹7500 का फाइन देना होगा। रघुवंश प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कही अहम बात। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने बीते दिन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बंद को लेकर कोई तैयारी पहले से नहीं की गई थी। अचानक बंद होने से सबसे ज्यादा गरीबों पर असर पड़ा है। गरीबों की स्थिति खराब हो गई है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर भी कुछ नहीं कर रहे, प्रवासी व्यक्तियों के नाम पर वोट का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में प्रवासी उनके लिए तुरूप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के एक देश एक कृषि बाजार योजना के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की तारीफ। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कृषि क्षेत्र को सही तरह से नियंत्रण में बाधाओं से मुक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार की नीति के तहत उद्योग को लाइसेंस परमिट से मुक्त कर दिया था, उसी तरह नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि क्षेत्र को सभी बाधाओं से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। एक देश एक कृषि बाजार के तहत किसानों को अपने उत्पाद को देश के किसी भी हिस्से में बेचने की स्वतंत्रता होगी। बिहार में APMC एक्ट को खत्म करने का नतीजा यह रहेगा कि यहां के किसान अपने हजारों टन अनाज को बिना किसी बिचौलिए के बेच पाएंगे।
बिहार सरकार ने शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान पूरा वेतन देने का किया वादा। बिहार सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्वैतनिक प्रशिक्षण की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2013 और 17 के तहत जीव विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों के पद पर विद्यालय सेवा बोर्ड के तहत बहाल शिक्षकों को ध्यान में रखकर यह निर्देश जारी किया गया है। क्योंकि इस नियमावली के दौरान बहाल किए गए शिक्षक अप्रशिक्षित थे, उन्हें अप्रशिक्षित वेतनमान पर नियुक्ति किया गया था। वहीं अब सरकार ने शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान पूरा वेतन देने का ऐलान जारी किया है। सूचना सचिव अनुपम कुमार ने कोविड 19 के माहौल में किए जा रहे कामों की दी जानकारी। बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना सचिव अनुपम कुमार ने कोविड 19 के रोकथाम के लिए विभाग की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। बिहार से वापस लौटे बिहारियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। वहीं ग्रामीण आवास संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए भी ग्रामीण विकास विभाग को आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण संपर्क योजना एवं मेंटेनेंस के लिए बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति के अंतर्गत पड़ने वाली सड़कों के काम में तेजी लाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग को भी निर्देश दे दिया गया है। नवादा में लाई गई ट्रूनेट मशीन। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच नवादा जिले में बीते दिन कोविड 19 के लिए ट्रूनेट मशीन लाई गई है। सदर अस्पताल में मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह ने देते हुए बताया है कि अगले एक दो दिन में नवादा में ही कोविड 19 जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे काफी ज्यादा सहूलियत होगी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया है कि ट्रूनेट मशीन से जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर भी पटना भेजा जाएगा। इसके आगे उन्होंने यह भी बताया कि इस मशीन के आ जाने से एक दिन में तकरीबन 105 सैंपल की जाँच हो पाएगी। सरकार 30,000 शिक्षकों को जल्द ही नियोजन पत्र देने की कर रही है तैयारी। बिहार सरकार ने राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल के नेतृत्व में लगभग 30,000 शिक्षकों को जल्द नियोजन पत्र जारी करने का फैसला जारी किया है, जिसके तहत जिन भी शिक्षकों को कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण नियोजन पत्र नहीं सौंपा गया है, उन्हें अब शिक्षा विभाग जल्द ही नियोजन पत्र मुहैया करवाने वाला है। जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा ने देते हुए बताया है कि सरकार जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को नियोजित पत्र जारी करेगा। इतना ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भी इस संबंध में कार्यक्रम तय करने का निर्देश जारी कर दिया गया है और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही इस संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। कांग्रेस ने बिहार सरकार से क्वारंटाइन सेंटर पर किए गए पैसों का मांगा ब्यौरा। बिहार सरकार की तरफ से क्वारंटाइन सेंटरों के आयोजन में किए गए खर्च को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, जिसके तहत कांग्रेस ने बीते दिन बिहार सरकार से क्वारंटाइन केंद्रों पर खर्च होने वाले पैसों का ब्यौरा मांगा है। जिसके तहत कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि विपक्ष ने सरकार को कोविड 19 के इस माहौल में हर संभव मदद किया है, लेकिन जो खराब व्यवस्था सामने आई है उसके बाद सरकार को खर्च का ब्यौरा देना चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने जवाब तलब किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कागजों तक ही सिमट गई है। कांग्रेस को काम देखना है तो जमीन पर जाए। हम प्रियंका गांधी की तरह नहीं है जो दो पहिया और तीन पहिया वाहनों को बस बता दे। दिल्ली में फंसे बिहार के 180 लोगों को लेकर चार्टर प्लेन पहुंचा। बिहार कोविड 19 की वजह से हुए बंद के कारण दिल्ली में फंसे मजदूरों को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनके घर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। बीते दिन से संजय सिंह ने विमानों के तहत 180 प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजा है, जिसके बाद पटना पहुंचकर सभी प्रवासियों ने खुशी जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार प्रवासी शब्द की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ अपना असली रंग दिखाते हुए श्रमिकों को लाठी दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रेन और बस नहीं होने का बहाना देकर उन्हें आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से भी परेशान किया है। आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में एक भी कारखाना नहीं लगाया है और चुनाव देकर अब वो कारखाना और रोजगार लोभ श्रमिकों को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द सभी प्रवासियों से माफी मांगनी चाहिए। वह कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। जेईई मेंस और नीट की परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा खास ख्याल। कोरोना के इस माहौल में स्थगित हुई सभी परीक्षाओं का आयोजन एक बार फिर से करवाया जा रहा है, जिसके तहत जेईई मेंस और नीट की परीक्षा को लेकर एनटीए की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए गाइडलाइन के अनुसार अगले महीने आयोजित होने वाली परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा, जिसके तहत सभी परीक्षाओं में 2 गज की दूरी बनाकर परीक्षा ली जाएगी। जिसके तहत 18 से 23 जुलाई तक आयोजित होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा में, साथ ही 26 जुलाई को नीट की परीक्षा में भी इन बातों का खास ध्यान रखा जाएगा। भारत से बाहर भी आयोजित कराया जा सकता है आईपीएल। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण आईपीएल को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब बंद के माहौल में मिली छूट में आईपीएल के आयोजन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रहे थे। जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के आयोजन को लेकर भारत के बाहर करवाने के विकल्प पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बीसीसीआई का कहना है कि हमारी प्राथमिकता इसका आयोजन भारत में ही कराना है, मगर बोर्ड इस समय सभी तरह के विकल्प पर विचार विमर्श कर रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर
कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आलोक कुमार, धर्मेंद्र कुमार, प्रभाकर कुमार, रंजना कुमारी, सुरभि सिंह, प्रताप कुमार, प्रभाकर राज, सोनू कुमार, मोनू यादव, श्री कृष्ण सिंह, राजू सिंह, लाल बाबू सिंह, कृष्णा कुमार, चंदन कुमार, चांदनी सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार स्कूल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अगर खुलते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।